नमस्ते फ्रेंड्स, ओरल सबमिकोस्पाइरोसिस ये प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है जिसमें कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जक्स्टा एपिथेलियल का मतलब ये है कि जस्ट हमारे जो ऊपर की जो चमड़ी है या गालों की जो चमड़ी है उसके नीचे फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है और वहाँ कोलेजन सिंथेसिस होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से वहाँ फाइब्रस बैंड बन जाते हैं। अब एक कोलेजन बनाने की जो प्रोसेस है, हमारी बॉडी जो ज़्यादा कोलेजन बना रही है उसमें हमारे शरीर का जो आयरन है, जो आयरन हमारे शरीर में प्रेजेंट है उसको यूटिलाइज या उसको इस्तेमाल करना वो शुरू कर देता है, जिसको हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ लाइसिन एंड प्रोलिन कहते हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर में आयरन की धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि ऐसे लोगों में धीरे धीरे आयरन की कमी होती जा रही है। आयरन जो है ये ट्रेस एलिमेंट्स माना गया है, ट्रेस मतलब बहुत कम मात्रा में बॉडी में रहता है, उसको ट्रेस माना जाता है। ये प्री कैंसरस लीजन जैसे बहुत सारे लीजन, ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया हो गया, ये कैंसर में हो गया, या प्री कैंसरस कंडीशन जैसे हमारा ओएसएमएफ हो गया, इसकी जांच में बहुत ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा सीधा रिलेशन देखा गया है। जब हमारी कंडीशन वर्स होती है और आयरन की कमी और कम होती चली जाती है, ऐसे लोगों में भी देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा आयरन की जिनमें कमी होती है उनमें कैंसर के चांसेस धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। एक और बात सामने जो आ रही है, कई लोग कहते हैं कि हमने बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट कराया, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, ना हमारे सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आया, ना हमारी वो कंडीशन ठीक हो रही है। चाहे आप इंजेक्शन थेरेपी के रूप में ले लें या ड्रग्स जो मेडिकेशन या जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं उसके रूप में ले लें, तो ऐसा क्या कारण है कि इतने लंबे समय तक ये कंडीशन रिस्पॉन्ड नहीं करती, जबकि हम बहुत सारा ट्रीटमेंट करा चुके हैं या करा रहे हैं, अलग अलग डॉक्टर से मिल चुके हैं और उनकी सलाह के अनुसार हम काम कर रहे हैं। कई जगह पे तो पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि आप बहुत सारी चीज़ें खाना बंद कर दें, जैसे चिलीज हो गया, मतलब मिर्च मसाला हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें उनको मना हो जाती है ताकि ये कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आए। ये देखा गया है कि उसकी बनिस्पत इम्प्रूवमेंट तो नहीं आ रहा है पर उनकी लाइफस्टाइल और बिगड़ गई, क्योंकि इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस उस पर्सन पे या उस पेशेंट पे होते जा रहे हैं, जिस वजह से लाइफस्टाइल तो बिगड़ रही है, साथ में इम्प्रूवमेंट की जो होनी चाहिए, जो मात्रा या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, वो इम्प्रूवमेंट उन पेशेंट्स में नहीं दिख रहा है। तो क्या कारण हो सकता है? आज मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो आपके इम्प्रूवमेंट से भी रिलेटेड है, कंडीशन को वर्स करने या खराब करने से भी रिलेटेड है, और आपके ट्रीटमेंट को सक्सेस बनाने से भी रिलेटेड है। तो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस प्रॉब्लम को समझ सकें और सही इलाज अपना करा सकें। ओरल सबम्यूकोसफाइब्रोसिस, जैसा आप जानते हैं, ये क्रोनिक बीमारी है, मतलब लंबे समय तक चलती है, क्योंकि लंबे समय तक हमारे मुंह को एक तरह से अब्यूज़ किया जाता है या एक्सपोज किया जाता है ऐसे इरिटेंट से जो अंदर के मांसपेशियों को या कोलेजन को फॉर्म करने में बहुत मदद कर रहे होते हैं, जिससे हमारा बैलेंस बॉडी का बिगड़ चुका होता है। अब स्टडी में ये देखा गया है कि जितने भी लोग जिनमें क्रॉनिक तौर पे मतलब लंबे समय तक आयरन की डिफिशिएंसी रह रही है, तो वो उनके मसूड़े या गाल या उनकी जो हमारे म्यूकोजा जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाते हैं। ससेप्टिबल का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा रिसीविंग हो जाते हैं चिलीज के असर के लिए या एरिका नट के असर के लिए। मतलब अगर आप कंपेयर करें एक नॉर्मल इंसान में जिसकी आयरन डिफिशियंसी नहीं है और जिसमें आयरन डिफिशियंसी है, और दोनों देख रहे हैं कि अगर आप इनमें कंडीशन किसकी वर्स होगी, तो कंडीशन जो वर्स या ख़राब देखी गई है जिनमें आयरन डिफिशियंसी क्रॉनिक तौर पे, मतलब लंबे समय तक आयरन की डिफिशियंसी जिसमें रही है, उसमें कंडीशन जल्दी फैलती है और बहुत तेज़ी से फैलती है और बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। आपको यह समझना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है आप सोचें कि हमारे खान पान में दिक्कत है जिसमें आयरन हमको पहुँच नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसमें होता यह है कि जब कोलेजन बनता है हमारे मुंह में, तो उसका हाइड्रोक्सिलेशन होता लाइसिन और प्रोलिन का। ये ऐसे तत्व हैं या ऐसे केमिकल हैं जिसमें आयरन की जरूरत पड़ती है। तो अब बॉडी में क्या है कि एक लिमिटेड मात्रा में आयरन है जिसको ट्रेस एलिमेंट कहा गया है। अब वो लिमिटेड जो स्टोर है, वो स्टोर से आयरन खींचना शुरू कर दिया ये प्रोसेस के लिए जिसमें कोलेजन फॉर्म करना है। तो एक्स्ट्रा कोलेजन भरने के लिए वो आयरन हमारे पास जो स्टोर्स लिमिटेड है, मतलब आप समझ लीजिए आपके पास बैंक बैलेंस लिमिटेड है और उसी जगह से आप निकाले जा रहे हैं, तो बैंक बैलेंस एक तरह से खत्म हो जाएगा या नेगेटिव में चला जाएगा। ऐसे ही हमारी बॉडी जब कोलेजन ज्यादा बना रही होती है तो आयरन खींच रही होती है, नॉर्मल जो हमारे बॉडी को रहता है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, जिस वजह से आयरन की कमी धीरे धीरे होती चली जाती है। अब इसमें दो एक तरह की साइकिल है। आप देखिए, एक तो बॉडी से हमारा आयरन खींच लिया, बॉडी में आयरन पहुंच रहा है पर वो वहाँ पे बॉडी के लिए यूटिलाइज नहीं हो रहा, कोलेजन फॉर्मेशन के लिए यूटिलाइज हो रहा है, वो एक हो गया। दूसरा, जैसे ही आयरन की कमी होना शुरू होती है तो ये कंडीशन और वर्स होना शुरू जाती है। तो मतलब एक तरह की साइकिल है, इस साइकिल को ब्रेक करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। सो आयरन की कमी
देखी गई है आमतौर पे, जिनकी कंडीशन बढ़ती चली जाती है उनमें आयरन की डिफिशेंसी ज़्यादा पाई जाती है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, हमारा जो सीरम या हमारे बॉडी में जो आयरन है और हीमोग्लोबिन है जैसे जैसे ये कम कम होता चला जाता है, क्योंकि कोलेजन फॉर्म हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया, तो इसकी कंडीशन और वर्थ होती चली जाती है। और इसका प्रोग्नोसिस मतलब इसका जो ट्रीटमेंट का जो एक तरह रिस्पॉन्ड करना है या बीमारी को ठीक होना है वो धीरे धीरे और ख़राब होता चला जाता है। मतलब समझने वाली बात यह है कि जैसे जैसे आपका आयरन बॉडी का और हीमोग्लोबिन कम होता जाएगा वैसे वैसे कंडीशन को ताकत मिलेगी, वो फैलती जाएगी और आपका बॉडी का रिपेयर करने का या ठीक करने का जो प्रोसेस है और घटता चला जाएगा। या दूसरी तरह से हम समझे, अगर ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं तो आप उस ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से, आपको ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा क्योंकि आपकी आयरन और हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम साथ ही साथ चलती जा रही। तो जैसे जैसे ये अलग अलग स्टेजेस में हो, इसमें जैसे स्टेजेस में होता है, जितना स्टेज बढ़ता जाएगा या फैलता जाएगा उतना आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी होती जाएगी और उतना ठीक करना मुश्किल होता चला जाएगा। अब सीरम आयरन जो है ये एक तरह का बायोकेमिकल टेस्ट है, मतलब हम ब्लड टेस्ट करते हैं, उसको चेक करते हैं कि बॉडी में जो आयरन है वो कैसा प्रेजेंट है, सही मात्रा में। मेल में पुरुषों में अलग तरीके का अलग लेवल होती है, महिलाओं में अलग होती है, फीमेल्स में अलग होती है। वो रेंज में अगर आप बैठ रहे हैं या सही चल रहे हैं तो आपको बॉडी को रिस्पॉन्ड करना आसान हो जाता है। दूसरा एक और देखा जाता है कि जब हम आयरन को चेक कर रहे होते हैं, आयरन के बहुत सारे पार्ट होते हैं जो चेक करना होता है, अगर वो चेक कर रहे होते हैं, और इसमें एक और चीज़ देखी जाती है कि जिसको ये प्रॉब्लम है वो न्यूट्रिशन कैसा ले रहा है। अगर आयरन की कमी हो रही है इसका मतलब न्यूट्रिशन कम चल रहा है, इसका मतलब वो प्री कैंसरस से कैंसर की स्टेज में जाने के लिए बहुत उनको एक तरह से पुश मिल जाता है, या वो प्री कैंसर से कैंसर की स्टेज में जा सकते हैं। अब आयरन की कमी क्यों होती है, तो आपको एक आंसर मिलेगा कि आप सही तरीके का पोषण नहीं ले रहे। तो सही तरीके का पोषण क्यों नहीं ले रहे, इसमें एक रीजन सबसे बड़ा देखा गया है कि जब भी हम अरीका नट, सुपारी या सुपारी के प्रोडक्ट या तंबाकू लेते हैं, उनके जो छोटे महीन पार्टिकल्स होते हैं हमारे गालों की जो झल्ली है या चमड़ी है जिसको म्यूकोजा हम कहते हैं, उसमें ऐसे चेंजेस लाते हैं कि ऐसे इंसान को जल्दी भूख ही नहीं लगती। मतलब अगर आप देखेंगे जितने भी तंबाकू खाने वाले हैं, सुपारी खाने वाले हैं, उनको भूख धीरे धीरे कम लगती जाएगी, क्योंकि उनको जो हमारी भूख की जो हमारा ड्राइव है या हमारी भूख की जो इच्छा है वो धीरे खत्म होती चली जाती है। तो ऐसे लोगों में देखेंगे वो कई लंबे समय तक भूखे रह सकते हैं क्योंकि मुंह में तंबाकू या सुपारी के जैसे पदार्थ वो मुंह में रखे रहते हैं, तो उनको भूख नहीं लगती, उनको लगता है कि हमारे को पेट भरा लग रहा है, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। पर उसका नुकसान ये होता है कि जो पौष्टिक तत्व बॉडी में पहुंचना चाहिए वो उनको एक तरह से ये गुटखा पान मसाला जितने भी तरह के पदार्थ हैं, किसी भी रूप में आप ले लें, मीठी सुपारी के रूप में ले, कैसे भी रूप में ले लें, ये उनकी भूख को धीरे धीरे मारती चली जाती है, जिस वजह से आयरन और बहुत सारी जो पौष्टिक तत्व हैं वो बॉडी पे मिल नहीं पाते, उस वजह से इनको डिफिशियंसी होना धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। एक और चीज़ आपके समझने की है, एक साइटोक्रोम एंजाइम होता है जो आयरन डिपेंडेंट होता है, मतलब ये एंजाइम ऐसा काम करता है कि हमारे जो नॉर्मल जो हमारी मुंह की झल्ली है या म्यूकोजा है या एपिथेलियम जिसको हम कहते हैं, उसको सही तरीके से बनने में और उसको मैच्योर होने में या उसको पनपने में हेल्प करता है। जब आयरन डिफिशियंसी का हो जाती है ऐसे लोगों में, तो साइटोक्रोम पूरी तरीके से काम नहीं करता, जिस वजह से हमारी जो मुंह की जो झल्ली है या म्यूकोजा है या एपिथेलियम है वो बहुत छोटी हो जाती है, पतली होने की वजह से इनमें बुरा असर जो जितने भी इरिटेंट्स हैं जो हम मुंह में डाल रहे हैं उनका बहुत तेजी से होता है, बहुत गहरा असर होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से हमारा बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो बनना और घुलना है फाइब्रोसिस का या कोलेजन का, वो बिगड़ जाता है, जिस वजह से ये कंडीशन और फैलती है और बिगड़ती है और एक तरह से वर्स होती चली जाती है, मतलब बिगड़ती चली जाती है। अब सिर्फ आयरन देखना बॉडी में ज़रूरी नहीं है, हीमोग्लोबिन भी देखना होता है और उसके साथ साथ विटामिन B12 और फोलिक एसिड भी देखना होता है, क्योंकि ये आपस में एक तरह का रिलेशन बनाते हैं। एक पहले इन एंटीऑक्सीडेंट अपनी जगह काम करेंगे जो आपके कोलेजन को घोलने में मदद करेंगे, दूसरी तरफ न्यूट्रिशन अपनी जगह काम करेगा, और तीसरी तरफ अगर हमको हीमोग्लोबिन, आयरन और बहुत सारी जो कमी चल रही है बॉडी में अगर वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये कहीं कहीं ना कहीं बहुत गहरा या
खराब असर हमारे ट्रीटमेंट पे डाल सकता है। अगर आपको लगे कि आपकी कंडीशन खराब होती जा रही है या सुधार नहीं हो रहा है कि बहुत लंबे समय ट्रीटमेंट करा के भी, तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए, इस वजह से कि वो समझ सके कि आपकी दिक्कत एक्चुअली में कहाँ चल रही है। तो हमको सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट देके या इंजेक्शन देके काम नहीं होता है, बहुत सारी जगह पे भी काम करना होता है ताकि आपकी जो बीमारी हुए समय में जिन लंबे समय की खराबी की वजह से हुई है उसको धीरे धीरे ठीक करा जा सके और उसका प्रोग्नोसिस मतलब उसका जो रिजल्ट है वो हमको अच्छे से अच्छा मिल सके। सो अगर आप कहीं भी डाउट हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करिए, उनसे सलाह मशवरा जरूर करिए। तो आयरन का, हीमोग्लोबिन का, फोलिक एसिड का, विटामिन B12 का बहुत ज़्यादा रिलेशन है, इनको आपने समझना ज़रूरी है। अगर आपको ना समझ में आए तो कोई बात नहीं है, अपने डॉक्टर से ज़रूर विचार विमर्श करिए और समझिए कि आपके केस में कैसे कैसे ट्रीटमेंट करवाना है। आपको ये बात समझनी ज़रूरी है कि हम एक डिजीज़ को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इंसान को ट्रीट कर रहे हैं। तो हर तरीके से उसको जाँच करना, उसका ट्रीटमेंट करना ये बहुत अनिवार्य बन जाता है, जिस वजह से आपका सही ट्रीटमेंट और सही रिजल्ट आपको मिल सके। इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट हैं या कोई मन में विचार हैं, जो भी आपको सलाह मशवरा करना है आप मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ताकि मैं आपको उस तरीके से आंसर दे सकूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।